अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं सिंध यूनिवर्सिटी के ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ जो इसका दाखिला ही चौराहा होता होता। आजकल तो यहाँ पे बैरियर वगैरह लगे हुए हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब ये बैरियर वगैरह नहीं लगे होते थे। अभी सूरज भी ढल रहा है, आपको दिखाएं। ये चौराहा वो है जो एक तरफ ये जा रहा है जिम्नाजियम की तरफ, जो आप सामने देख रहे हैं, रास्ता जिम्नाजियम की तरफ जा रहा है, और इस तरफ ये यहाँ से एंट्रेंस वाला वो रास्ता है जहाँ से बसें वगैरह आती थी, पॉइंट वगैरह आती थी, चलती थी, और अब तो बंद हो गया। ये सामने जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये 0 पॉइंट की तरफ जाता है, और सामने आपको सेंट्रल लाइब्रेरी इमारत भी नज़र आ रही होगी। अभी हम आपको वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के जो संघ जो यूनिवर्सिटी के पायनियर्स थे, अल्लामा आई काजी, उनकी जो आखिरी आरामगाह है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। वो आपको मैं उनके आखिरी आराम का आपको दिखाऊंगा कि जो इस यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद यहाँ पे ले आए जामशरों में, उसके बानी अल्लामा आई काजी का और उनकी मिसेस एल्सा काजी का मज़ार, उस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी का वो एरिया है जो फिलहाल किसी इमारत वगैरह के बगैर है। यहाँ पे दरमियान में ऐसा है जहाँ पे खजूर के दर लगा दिए गए हैं। मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ। आया है काजी मजार की तरफ, तो ये है वो जगह मकबरा। आप देखें उनके जो स्टूडेंट या उनके मौत का मोहतरम ए के बिरोई ने ये बनवाया था सन 1971 में। अब हम ऊपर चढ़ते हैं और आपको इसकी वो दार, ये देखें, एक मकतब डायगोनल बना हुआ है, मकतब इसकी वो है। ये है जनाब अल्लामा आया काजी, जिनका पूरा नाम था अल्लामा इमदाद अली इमाम अली काजी। उनके मज़ार पे कुतबा लगा हुआ है। उनके साथ ही उनकी मिसेस ये है अल्लामा आया काजी, उनके साथ ही उनकी मिसेस का है आखिरी आराम का।
तो ये देखें ऊपर ये सारी पुरानी आयात वगैरह कुंदा है। इनके जो पैरों की जनाब ये दो और हैं मुखवटा बने, उनकी तरफ चलते और आपको बता दें कि ये किन के हैं। ये है सिंध के एक और बहुत मायानास अदीब और स्कॉलर जनाब डॉक्टर नबी बख्श बलोच। तो ये डॉक्टर नबी बख्श बलोच के मज़ार है जो सन 2011 को यहाँ जाने खाने से कूच करके थे के ऊपर भी। इनके एक और तरफ एक और है जहाँ पे हम आप लेके चलेंगे और बताएंगे कि वो किसका। ये सिंध की एक विशिष्ट वाइस चांसलर डॉक्टर आबदा ताहरानी की आखिरी आरामगाह है। यहाँ पे एक और वो बन रहा है लेकिन वो भी जेर मरम्मत है, पता नहीं किसका होगा। वापस यहाँ पे हमारा पूरा होता सफर।